हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कूलिंग टावर कैपेसिटी फॉर वाटर कूल्ड एयर कंप्रेसर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा ये एयर कंप्रेसर होता है, वाटर कूल्ड एयर कंप्रेसर है ये, जिसमें हम कूलिंग वाटर यूज करते हैं इसको ठंडा करने के लिए। तो उस कूलिंग टावर कूलिंग वाटर के लिए हमें कितना TR का कूलिंग टावर लगेगा, इस एयर कंप्रेसर के कूलिंग के लिए हमें कितने TR का कूलिंग टावर लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या कितने TR का कूलिंग लगेगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम एयर कंप्रेसर में कूलिंग वाटर क्यों यूज़ करते हैं। तो जब हम एयर कंप्रेसर वाटर कूल्ड एयर कंप्रेसर में हम कूलिंग वाटर का यूज़ करते हैं इंटर कूलर में, एयर को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए, एंड आफ्टर कूलर में। ओके, और उसे हम पानी से कूल्ड वाटर से हम सिलेंडर का जैकेट को भी कूल करते हैं, क्योंकि अगर सिलेंडर का जैकेट ओवर हीट होगा तो हमारा पिस्टन रिंग वगैरह डैमेज होगा। ओके, तो ये तीन चीज़ों में हम कूलिंग करने के लिए एयर कंप्रेसर में कूलिंग वाटर का यूज़ करते हैं। ओके, जब हमारा कंप्रेशन होने से एयर, जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं एयर कंप्रेसर के अंदर, तो उसके अंदर हीट ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हीट भी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसको फर्दर सेकेंड स्टेज में कूलिंग कर फर्दर कंप्रेशन करने के लिए हमें कूलिंग करना जरूरी रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटर कूलर के अंदर हम एयर को कूल करते हैं, देन सेकेंड स्टेज में कंप्रेशन होने के बाद हम वापस उसको कूल करते हैं आफ्टर कूलर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा एयर कंप्रेसर में हमारा फर्स्ट स्टेज का कंप्रेशन यहाँ पर होता है, यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर होता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो यहाँ से जब हमारा फर्स्ट स्टेज में कंप्रेशन होता है तो हाई उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है एयर का, यहाँ से बाहर निकलता है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर का एयर। तो ये है इंटर कूलर, इस इंटर कूलर के अंदर हम एयर को कूल करते हैं। फिर ये सेकेंड स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज का सिलेंडर है, इसमें सेकेंड स्टेज में हमारा एयर का कंप्रेशन होता है। फिर ये आफ्टर कूलर है, ये नीचे आप देख सकते हैं ये लंबा ट्यूब जैसा, ये आफ्टर कूलर, यहाँ पे सेकेंड स्टेज होने के बाद वापस इसको हम कूल करते हैं, फिर इसको हम रिसीवर के अंदर स्टोर करते हैं। और यहाँ पे जैकेट को में भी हम कूलिंग करते हैं, जैकेट में भी कूलिंग वाटर सेंड करके उसके अंदर हम कूलिंग करते हैं ताकि ये हमारा सिलेंडर ठंडा रहे। ओके, तो ये तीन जगह हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, इंटर कूलर में, आफ्टर कूलर एंड जैकेट। ओके, तो ये तीन जगह हम यूज़ करते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा एयर कंप्रेसर होता है उसके अंदर जो 90% इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है जो कंप्रेसर में, वो हीट के अंदर कन्वर्ट, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ओनली 10% हमारा एनर्जी यूजफुल होता है, 90% एनर्जी हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा एयर कंप्रेसर का एफिशिएंसी ओनली 10% होता है। ओके, और 90% एनर्जी हमारा वेस्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस 90% एनर्जी को हमें निकालना है एयर कंप्रेसर के अंदर से। तो इसलिए क्या करते हैं, हम जो TR कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, 90% ऑफ मोटर की कैपेसिटी, 0.9 मीन्स क्या होता है, 90% ऑफ मोटर इंटू डिवाइडेड बाई 3.517। यहाँ पर 3.517 क्या है कि जो यहाँ पे 3.517 से डिवाइड करने का पर्पस है कि हमें किलोवाट को TR में कन्वर्ट करना, क्योंकि 1 TR = 3.517 किलोवाट होता है। तो 3.517 किलोवाट से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा TR में आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू हम कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, 600 CFM वाटर कूल रेसिप्रोकेटिंग टाइप एयर कंप्रेसर वर्किंग एट प्रेशर ऑफ 10 bar है मोटर ऑफ 110 kW, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कूलिंग टावर रिक्वायर्ड फॉर इस कूलिंग। तो हमारा गिवन डाटा क्या है, मोटर कैपेसिटी, सॉरी यहाँ पे मोटर रहेगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, मोटर कैपेसिटी, तो मोटर 110 kW। ओके, तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, TR = 0.9 × kW / 3.517। तो हमने वैल्यू पुट किया यहाँ पे, तो हमारा कैलकुलेशन के बाद आता है 28.15।
तो अप्रोक्सी हमको 29 TR का कूलिंग टावर इसमें लगाना पड़ेगा, 29 TR का कूलिंग हमको लगेगा एयर कंप्रेसर में कूलिंग करने के लिए। ओके, तो इस तरह से एयर कंप्रेसर का कूलिंग लोड कैलकुलेट किया जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।